हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में जानेंगे, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का अर्थ है पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना और इसकी स्थिति को फिर से बहाल करना है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र सभा ने विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र ने लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व स्तर पर इस दिवस की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था, जिसकी थीम ओनली वन अर्थ थी। ये दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा करना और लोगों को प्रकृति के प्रति सजग करना है और आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, जिसकी थीम है रीइमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। और इससे पहले 2020 में इस दिन की मेजबानी कोलंबिया और जर्मनी ने मिलकर की थी। इस पर्यावरण दिवस पर यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 की भी शुरुआत की गई है, जो एक वैश्विक मिशन है। इसका लक्ष्य जंगलों से लेकर खेत, पहाड़ों की चोटी, समुद्रों की गहराई, इन सभी तक फैले पारिस्थितिकी तंत्र को दोबारा बसाना है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। ये कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस वर्ष के आयोजन का उद्देश्य बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। तो ये थी विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and comment.